Hello dear students welcome to my channel NPC Gyan Bhandar subscribe my channel NPC Gyan Bhandar and also tap the bell button for updates myself Nirmal Prajapati online classes by NPC Gyan Bhandar class 5 to 10 subject math science and computer of any boards, ICSE, CVSE, JEC, or any state board of English medium. Class 11th and 12th subject, Physics, Math, and Computer Science of any board, ICSE, CVSE, JEC, or any state board of English medium. For more information, contact on my WhatsApp number, 9431703940. And note, personal online video classes also given here that are chargeable. कोविड नाइन्टीन स्टे एट होम स्टडी एट होम ये क्लास एट कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस चैप्टर वन है ओके इस चैप्टर में हम लोग रिवीजन करेंगे जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास सेवन में ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रेन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नंबर सिस्टम डिफरेंट फंक्शंस ऑफ विंडोज़ सेवेन एम एस एक्सेल टू थाउ टू थाउजेंड सेवेन ब्राउजिंग इंटरनेट एंड माइक्रो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग लेटर्स रिवाइज ऑल दिस टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीवियस क्लासेस मतलब आप बीजेप नंबर सिस्टम एम एस वर्ड विंडोज विंडोज सेवेन एम एस एक्सेल ब्राउजिंग इंटरनेट माइक्रो ब्लॉगिंग ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास सेवन में तो उसी को रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम क्या होता है ओके जिस तरह मैथ में नंबर सिस्टम होता है उसी तरह कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम्स होता है द मैथड ऑफ रिप्रजेंटिंग एंड वर्किंग विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम मतलब वो मेथड जिसमें हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ वर्क करते हैं उस मेथड को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं ओके एवरी नंबर सिस्टम हैज सम यूनिक डिजिट व्च आर कम्बाइंड टू फॉर्म बिगर नंबर्स हर नंबर सिस्टम के का एक क्या होता है यूनिक डिजिट्स होता है जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं मैथ में क्या होता है सारे कितने डिजिट्स होते हैं टेन डिजिट्स होते हैं जीरो टू नाइन और उसी में से पूरा मैथ बना हुआ है उसी तरह कंप्यूटर्स में भी कुछ यूनिक डिजिट्स होते हैं जिससे पूरा कंप्यूटर बना हुआ है ओके व्च आर कम्बाइंड टू फॉर्म बिगर नंबर और जो कम्बाइंड होकर के बड़ा नंबर बनता है टू द टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक डिजिट्स इन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस और रेडिक्स ओके जो टोटल नंबर है किसी भी यूनिक डिजिट का टोटल नंबर्स जितना उसमें यूज हुआ है टोटल टोटल नंबर्स ऑफ यूनिक डिजिट मतलब टोटल नंबर्स ऑफ यूनिक डिजिट जितना यूनिक डिजिट जिसमें यूज हुआ है उसका टोटल नंबर ओके सपोज दो यूनिक डिजिट यूज हुआ है तो दो उसका बेस होगा टेन यूनिक डिजिट यूज हुआ है तो उसका टेन बेस होगा और उसको बेस या रेडिक्स बोलते हैं ओके okay? तो चलिए नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम ये नंबर सिस्टम का टाइप्स है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर सिस्टम द नंबर सिस्टम दैट यू हैव स्टडीड इन मैथेमेटिक्स और यूज इन डेली लाइफ हैज़ टेन यूनिक डिजिट्स जीरो टू नाइन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन दिस नंबर सिस्टम इज़ कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप लोग मैथ में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और रियल लाइफ में भी हम उसका यूज़ करते हैं जिसमें कितने डिजिट्स होते हैं जीरो टू नाइन टेन डिजिट्स होते हैं तो ये कंप्यूटर में भी उसका यूज होता है लेकिन वो कंप्यूटर नहीं समझता है वो सिर्फ हमारे समझने के लिए यूज होता है ओके डेसीमल नंबर सिस्टम जिसमें देखिए आप दिखाया हुआ है डेसीमल नंबर सिस्टम बॉक्स बना करके पोजिशनल वेट ऑफ डेसीमल नंबर सिस्टम राइट टू लेफ्ट जाएंगे इसमें टें टू दोपहर जीरो टें टू दोपहर वन टेंटू दोपहर टू टेंटू दोपहर थ्री टेंटू दोपहर फोर टें टू दोपहर फाइव टेंटू दोपहर सिक्स इस तरह से पोजिशनल वेट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट्स वन एंड ऑपसेंट्स जीरो ओके बाइनरी नंबर सिस्टम क्या करता है प्रजेंट्स को अगर कोई चीज है उसमें तो उसको वन करेगा और अप्सेंट है तो उसको जीरो करेगा यानी यस yes, तो वन नो no, तो जीरो ओके ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स जीरो एंड वन इलेक्ट्रिक पल्स को का जीरो और वन को ही वो रिप्रेजेंट करता है जीरो और वन ओके बाइनरी नंबर सिस्टम है टू डिजिट जीरो एंड वन बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट होता है जीरो और वन बाइनरी बाय मतलब क्या दो दो ही होगा इसमें और डिजिट्स ओके okay? दो डिजिट्स ही होगा इच बाइनरी डिजिट इज़ आल्सो कॉल्ड बिट्स और हर एक बाइनरी डिजिट्स क्या कहलाता है बिट्स कहलाता है उसको बिट्स बोलेंगे या जीरो हो जीरो भी एक बिट होगा और वन भी एक बिट होगा ओके बाइनरी नंबर सिस्टम इज पोजिशनल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है मतलब ये पोजिशन डिसाइड करता है सपोज़ कोई भी कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ है तो उसका पोजिशन होगा तो वो पोजिशन कौन डिसाइड करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम डिसाइड करता है और उसका और हर एक चीज़ का कंप्यूटर में अपना एक बाइनरी वैल्यू होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन रहता है ओके जैसे वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ओके ये क्या है बाइनरी है वो बेस टू है उसको पावर नहीं पढ़िएगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उसको वन वन ज़ीरो जीरो वन टू दावर टू करते हैं नहीं वो बेस है उसको या तो रीड कर सकते हैं आप टू द बेस टू पर टू बेस टू पढ़ना होगा उसको ओके वन वन जीरो ज़ीरो वन टू बेस टू ओके okay. इस तरह से नहीं तो बेस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं बस उसको इंडिकेशन के लिए वो यूज होता है कि पता चले कि इसमें ये बाइनरी के लिए है ओके नेक्स्ट वन वन जीरो पॉइंट वन वन जीरो टू द बेस टू एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम देखिए पोजिशनल वेट्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम ऑल्सो गिवेन है one one टू डपहार जीरो टू डिपहार वन टू डू दुपहार टू टू डू दोपहार थ्री टू डू दोपहर फोर टू दोपहर फाइव टू पावर सिक्स इस तरह से पोजिशनल वेट होता है हर एक का ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल ऑक्टल मतलब इसमें एट डिजिट्स होगा ओके ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज एट यूनिक डिजिट्स जीरो टू सेवन ओके जीरो टू सेवन एट को काउंट मत कीजिएगा ओके जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए सेवन तक जा रहा है और इसमें टोटल डिजिट्स एट होंगे इसलिए इसका बेस और रेडिक्स क्या होगा एट होगा इट इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड वेट्स एसोसिएटेड विथ इच पोजिशन एज सोन बिलो ओके इसका पोजिशनल पोजिशनल नंबर और इसका पोजिशनल वेट ऑक्टल नंबर सिस्टम का दिया हुआ है देख रहे हैं आप टू थ्री फोर टू टू थर्टी फोर टू द बेस एट माइनस फिफ्टी सिक्स टू द बेस एट आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इसमें देखिए जितने भी डिजिट्स होंगे ना जीरो टू सेवन तक ही होंगे अगर एट हो गया तो ये इनवैलिड ऑक्टल नंबर हो जाएगा वो डेसिमल में चला जाएगा फिर ओके और इसका पोजिशनल वेट क्या होगा एट टू द पावर जीरो एट टू द पावर वन एट टू द पावर टू एट टू द पावर थ्री एट टू द पावर फोर एट टू द पावर फाइव एट टू द पावर सिक्स ओके इस तरह से पोजिशनल वेट होगा नेक्स्ट है हेक्सा डेसीमल नंबर सिस्टम ओके हैक्सा डेसीमल हैक्सा मीन सिक्स और डेसीमल मतलब टेन मतलब सिक्सटीन डिजिट्स होगा इसमें हैक्सा डिसिमल नंबर सिस्टम है सिक्सटीन यूनिट डिजिट्स ओके सिक्सटीन यूनिट डिजिट्स होगा लेकिन मैथ में तो टेन ही डिजिट्स है जीरो टू नाइन ओके तो और कहाँ से आएगा जी डिजिट्स तो हम लोग क्या करेंगे सिक्सटीन तक काउंट करेंगे सिक्सटीन डिजिट काउंट करेंगे जीरो टू ले जीरो टू कहाँ से हो जाएगा जीरो टू फिफ्टीन ओके जीरो टू फिफ्टीन करेंगे तो सिक्सटीन डिजिट आ जाएगा लेकिन टेन टू फिफ्टीन जो होगा उसमें देखिएगा वन जीरो टू थ्री फोर फाइव सब फिर से रिपीट कर रहा है लेकिन कंप्यूटर इसको तो नहीं समझेगा कि ये इलेवन है ये टेन है वो सिर्फ वन काउंट कर देगा जीरो काउंट कर देगा टू काउंट कर देगा तो वो उसको अलग समझेगा इसीलिए कंप्यूटर में क्या किया गया है इसको कंप्यूटर को समझने के लिए हम लोग इसको कैरेक्टर लिए हैं कुछ ओके okay? जैसे करेक्टर क्या कर लिए हैं ए बी सी डी ई एफ क्यों लिए हैं सिक्स क्योंकि इसमें छः का ही कमी हो रहा था बाकी तो टेन उधर है मैथ का डेसिमल वाला ओके जीरो टू नाइन लेंगे और ए टू एफ लेंगे ओके okay? तो ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा इसका इट इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड वेट्स एसोसिएटेड विथ इच पोजिशन आर सोन बिलो ए बी फाइव टू देश ओके ये एकस्ट्राडेमल नंबर है थ्री फोर्टी सेवन टू दावर टू द बेस सिक्स आर एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा नंबर ओके और पॉजिशनल वेट ऑफ एक्स्ट्रा डेसीमल नंबर आज गिवेन हो सिक्सटीन टू द पावर जीरो सिक्सटीन टू द पावर वन सिक्सटीन टू द पावर टू सिक्सटी टू द पावर थ्री सिक्सटीन टू द पावर फोर सिक्सटीन टू द पावर फाइव सिक्सटीन टू पावर सिक्स और ये पॉजिशनल वेट जो हम लोग लिखेंगे या फिर जिस जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्स्ट्रा डेसीमल टू बाइनरी बाइनरी टू एक्स्ट्रा इस तरह से तो इसका पोजिशनल वेट जो लिखेंगे राइट टू लेफ्ट लिखेंगे ओके बहुत सारे बच्चे लेफ्ट टू राइट कर देते हैं जिससे उनका कन्वर्जन रॉन्ग आ जाता है हमेशा याद रखिएगा ये राइट टू लेफ्ट लिखना है नेक्स्ट है विंडो एक्सप्लोरर विंडो एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम अप्लीकेशन ऑफ विंडो सेवेज ऑल दाइल्स ऑन योर ऑन योर सिस्टम वाट एवर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू सेव ऑन योर सिस्टम मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एवरी इमेज डॉक्यूमेंट सॉन्ग और वीडियो इज सेव एज ए फाइल विंडो एक्सप्लोर क्या करता है मतलब हम लोग कुछ भी चीज़ रखते है कंप्यूटर में चाहे वो वीडियो हो ऑडियो हो वॉइस हो या फिर इमेज हो या कुछ भी हो कंप्यूटर उसे किस फॉर्म में स्टोर करता है फ़ाइल के फॉर्म में ओके कंप्यूटर के लिए सब चीज़ एक फ़ाइल ही है ओके चाहे वो कुछ भी हो गाना सॉन्ग हो वीडियो हो गेम हो एप्लीकेशन हो कुछ भी हो उसके लिए सब फाइल के फॉर्म में वो स्टोर करता है उसको तो फ़ाइल को हर एक चीज़ के लिए क्या होना चाहिए वीडियो है तो उसको फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा म्यूजिक है उसको फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है उसके लिए क्या होता है कंप्यूटर में एक अप्लीकेशन होता है विंडोज एक्सप्लोरर जो क्या करता है और ये विंडो सेवन में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है जो क्या करता है जितने भी कंप्यूटर में आ, कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा वो सिस्टम में फाइल के फॉर्म में सेव करेगा चाहे वो डॉक्यूमेंट हो इमेज हो सॉन्ग हो वीडियो हो कुछ भी हो ओके तो नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल इज कलेक्शन ऑफ वेरियस टूल्स विच हेल्प यू कस्टमाइज एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पैनल इज व्यूड एज ए स्टैंडर्ड फोल्डर सोन बिलोज ओके देखिए ऊपर में देख रहे हैं आप विंडो एक्सप्लोरर का विंडो दिखाया हुआ है ओके तो उस तरह से विंडो एक्सप्लोरर होता है अब कंट्रोल पैनल क्या करता है कंट्रोल पैनल क्या होता है कंट्रोल पैनल एक कलेक्शन होता है कलेक्शन मतलब बहुत सारा उसमें टूल्स होता है जो क्या करता है किसी भी चीज़ को कस्टमाइज करता है कोई भी विंडो ऑपरेटिंग आपरेटि, सिस्टम को कस्टमाइज करता है अपने अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करने का फंक्शन देता है टूल्स देता है ओके okay? और जिससे हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग कस, कस्टमाइज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल इज व्यूज एज जैसे स्टैंडर्ड फोल्डर एज सन ब्लू और इसमें कंट्रोल पैनल स्टैंडर्ड फोल्डर के रूप में दिखता है जो दिखाया हुआ है नीचे ओके okay? ये देखते हैं नेक्स्ट है फार्मूला इन एम एस एक्सेल एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़े ही होंगे आप उसमें कुछ फार्मूला उसमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है तो क्या क्या फार्मूला है देखते हैं ए फार्मूला इज एक्सप्रेशन 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 कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स एंड सेल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन यूजिंग सूटेबल ऑपरेटर इट स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन ओके फार्मूला क्या है? Expression होता है एक्सप्रेशन होता है एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है किसी भी सेल को सपोज ए वन से ले कर ई वन तक हम लोग को कुछ भी एड करना है तो उस सेल का क्या होता है नंबर्स को लेता है और उसमें ऑपरेटिंग ऑपरेटर लगा करके उसको सूटेबल ऑपरेटर लगा करके उसको ऐड करता है ओके तो ये फार्मूला होता है एक्सेल में चलिए उस फार्मूला को देखते हैं न्यूमेरिक फार्मूला इन एम एस एक्सेल कैन बी ऑफ टू टाइप्स न्यूमेरिकल फार्मूला जो होता है एम एस एक्सेल में दो तरह का होता है बेसिक फार्मूला फार्मूला हैविंग सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर एग्जांपल फार्मूला फॉर परफॉर्मिंग एडिशन सब्टशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेसिक फार्मूला होता है जो मैथेमेटिकल ऑपरेटर के लिए सपोज एड करना है ओके तो बेसिक फार्मूला हो गया सब्ट्रेक्ट करना है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है ये सब क्या हो गया बेसिक फार्मूला फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दो सेल को ऐड करना है ए वन और ए टू को तो क्या करेंगे सिंपल इक्वल्स टू इक्वल साइन लगाएंगे ए वन प्लस ए टू कर देंगे तो वो एक्सेल में उसको ऐड कर देगा कंपाउंड फार्मूला आप देखेंगे कंपाउंड फार्मूला क्या होगा फार्मूला हैविंग मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेटर फार्मूला ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड फार्मूला ये मिला जुला कर होगा कंपाउंड ओके कंपाउंड फार्मूला फॉर फार्मूला हैविंग मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेटर इसमें एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा ओके सपोज ऐसा कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट ओके तो चलिए आगे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे क्या फार्मूला होता है उसके बाद क्या है देख रहे हैं इसमें SI का फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल एक्वल टू ए टू इंटू बी टू इंटू सी टू बाई हंड्रेड इक्वल टू को भूलना नहीं है इक्वल टू एक्सेल में देना ही देना है ओके इट विल मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ सेल ए टू बी टू एंड सी टू एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय हंड्रेड ये क्या करेगा ए टू बी टू और सी टू को मल्टीप्लाई करेगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हंड्रेड से डिवाइड कर देगा ओके नेक्स्ट है टेक्स्ट फार्मूला फार्मूला यूज फॉर कनेक्ट कंकेंटिंग यानी ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग बाय यूजिंग एंड साइन ओके फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू आई देखिए आई डबल कॉट्स में डाला हुआ है एंड एम डबल कोट्स में डाला हुआ है एंड ए गुड बॉय डबल कोट्स में डाला हुआ ये क्या करेगा तीनों को ज्वाइन करेगा सपोज हम लोग को कुछ चीज़ ज्वाइन करना है एक्सेल में ओके okay, तो क्या करेंगे हम लोग एंड लगा करके ये एंड साइन लगा करके हम लोग इसको एड करेंगे ओके okay? ज्वाइन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा इट विल रिज़ल्ट इन आई एम ए गुड बॉय नेक्स्ट है फंक्संस इन एक्सेल क्या क्या फंक्शंस है एक्सेल में एम एस एक्सएल प्रोवाइड्स मैनी प्रीडिफाइंड एक्सप्रेशन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड फंक्शन एम एस एक्सल में बहुत सारे प्रीडिफाइंड एक्सप्रेशन हैं जो प्रोवाइड करता है कोई स्पेसिफिक टास्क को जिसको हम लोग फंक्सन बोलेंगे सम फंक्शंस आर यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेसन लाइक सम एवरेज और फाइंडिंग मैक्ममम मिनिमम नंबर्स इन द गि रेंज ऑफ सेल तो कुछ फंक्शंस ऑलरेडी प्री फंक्शंस होते हैं एक्सेल में जैसे हमको सम निकालना है तो बस सम फंक्शन यूज़ करेंगे एवरेज निकालना है एवरेज फंक्शन यूज करेंगे मैक्सिमम नंबर निकालना है उस सेल उस रो में उस कॉलम में तो उस मैक्ममम फंक्शन यूज करेंगे मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है वेर एज समक्शंस आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ़ वेरियस कंपाउंड फार्मूला कुछ जबकि कुछ फंक्शंस क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी कंपाउंड फार्मूला बहुत सारे बड़े बड़े फार्मूला का वो निकालते हैं ये फंक्शन होता है उसमें ओके बड़ा फार्मूला का नेक्स्ट है चार्ट्स इन एम एस एक्सएल बहुत सारे चार्ट्स भी यूज होते हैं एम एस एक्सएल में ओके कॉमन चार्ट्स आर द टूल यूज्ड टू तो डिस्प्ले सीरीज़ ऑफ न्यूमेरिक डेटा अरेंज एज रोज एंड कॉलम इन ग्राफिकल फॉर्मेट ग्राफिकल फॉर्मेट में कोई भी डेटा को दिखाने के लिए क्या यूज होता है चार्ट ओके जो रो और कॉलम में अरेंज होते हैं जो डेटा उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में लाने के लिए चार्ट्स का यूज होता है ओके okay? नेक्स्ट है जैसे आप लोग मैच देखते होंगे आई पी मैच तो कौन सा बॉल कितना दूर तक गया उसका ग्राफ दिखता है तो ग्राफ कैसे जनरेट किया जाता है इसी से चार्ट से ओके कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स ऑफ चार्ट एम एस एक्सेल आर देट आर फ्रिक्वेंटली यूज आर कॉलम चार्ट बार चार्ट पाई चार्ट लाइन चार्ट ओके चार तरह के कॉमनली यूज होते हैं ओके okay. देख रहे हैं आप उसका चार्ट ग्राफ एक्सेल में जिस तरह से दिखता है उस तरह से दिखाया हुआ कॉलम चार्ट दिखे दिखाया हुआ लाइन चार्ट पाई चार्ट बार चार्ट फिर एरिया स्केटर अदर चार्ट इस तरह से बहुत सारे चार्ट है। अब हैं अब है नेक्स्ट अबाउट फ्लैश सी एस थ्री फ्लैश सी एस थ्री देखते हैं क्या होता है ओके okay.

एक्सेट्रा ये सब क्रिएट करने के लिए एडअप फ्लैश का यूज़ होता है और फ्लैश में फ़्लैश डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा डॉट एफ एल ए सपोज़ हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट किए तो उसका जो फ़ाइल एक्सटेंशन होगा उसके बाद फ़ाइल नेम के बाद डॉट एफ एल ए आएगा ओके okay? तो ये पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फ्लैश डॉक्यूमेंट तो उसका आंसर क्या होगा डॉट एफ एल ए डॉट को लगाना मत भूलना ओके डॉट को नहीं भूलना है डॉट एफ एल ए और देखिए इसमें स्मॉल में है सारे ओके लोअर केस में डॉट एफ एल ए इसको याद रखना है और देख रहे हैं आप कंपोनेंट ऑफ फ्लैश विंडो दिखाया हुआ है इसमें मेन्यू बार टूल बार टाइम लाइन एडिट एडिट बार फ्रेम पैनल एरिया स्टेज लेयर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर तो ये इस तरह का विंडो खुलता है जब हम लोग फ्लैश ओपन करेंगे तो ओके एडोब फ्लैश नेक्स्ट देखते हैं चलिए आगे नेक्स्ट है क्यू बेसिक क्यू बेसिक चलिए क्यू बेसिक क्या है इसको जानते हैं ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सिर्फ ये रिविजन हो रहा है इस चैप्टर में कुछ नया चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए सेवन में आप लोग पढ़ चुके हैं क्यू बेसिक इज एन आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगनर्स बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल कमांड्स बेटर ग्राफिक्स एंड फ्लैक्सिबिलिटी क्यू बेसिक क्या है आइडियल प्रोग्राम लैंग्वेज है स्टार्टिंग प्रोग्राम लैंग्वेज है जो न्यू प्रोग्रामर्स है उनको सिखाने के लिए क्यूबेसिक यूज होता है सिंपल कमांड्स होते हैं इसमें और बेटर ग्राफिक्स होता है अन फ्लैक्सीबिलिटी होता है मतलब कुछ हार्ड चीज़ नहीं होता है इसको आप इजीली uh, से सीख सकते हैं इजी तरीके से सीख सकते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके क्यूबेसिकज़ वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग टू क्रिएट एंड डिस्प्ले ग्राफिक ऑन द स्क्रीन क्यूबेसिक बहुत इजी होता है इंटरेस्टिंग होता है और डिस्प्ले ग्राफिक होता है स्क्रीन में ओके okay? जो, जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है वी कैन ड्रॉ ग्राफिक यूजिंग प्री डिफाइंड कमांड्स कॉल ग्राफिक स्टेटमेंट्स इन क्यू बेसिक हम लोग ग्राफिक ड्रा कर सकते हैं प्रीडिफाइंड कमांड से जिसको ग्राफिक स्टेटमेंट बोला जाता है क्यूबेसिक में ओके वी यूज पिक्सेल टू ड्रॉ लाइंस फिगर्स एंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट शेप हम लोग पिक्सेल का यूज करते हैं लाइन ड्रा करने के लिए फ़िगर ड्रॉ करने के लिए पैटर्न ड्रा करने के लिए अलग अलग साइज सेप्स का ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एन इमेज और पिक्चर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कभी भी हम लोग कैमरा लेते हैं तो पिक्सेल में लेते हैं कि कितना पिक्सेल है ये देखते तो ये पिक्सल क्या होता है कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है या फिर डिस्प्ले होता है उसमें जो इस्मॉलेस्ट इस पोर्शन होता है इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट वो पिक्सेल होता है ओके सबसे इस्मॉलेस्ट पिक्सेल होता है अगर सपोज आप एट मेगा का यूज कर रहे हैं कैमरा तो उसका एट मेगा एट मेगा होगा उसका पिक्सेल ओके मतलब सबसे स्मॉलेस्ट डिस्प्ले का जो इस्मॉलेस्ट पोर्शन होगा वो एट मेगा में होगा समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा वो दिखता छोटा है लेकिन कितना बड़ा अमाउंट है ओके नेक्स्ट है ब्लॉग्स ब्लॉग्स क्या है ए ब्लॉग्स इज़ द प्लेटफॉर्म वेर ए राइटर और ग्रुप ऑफ पीपल शेयर देयर व्यूज़ एंड डिस्कस ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक ब्लॉग्स क्या है ब्लॉग एक प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ सारे राइटर आते हैं लोग आते हैं और डिस्कशन करते हैं अपना अपना टॉपिक ओके पर्टिकुलर टॉपिक इट इज़ ऑनलाइन जनरल दैट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेटेस्ट ऑन टॉप ओके रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या मतलब जो पहले हुआ वो पहले आएगा लेकिन इसमें क्या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में आता है मतलब जो नया है वो पहले आएगा उस उसमें ये एक क्या होता है ये एक ऑनलाइन जनरल होता है जो डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को जो नया है उसको पहले डिस्प्ले करेगा हेयर ए रीडर गेट्स ए चांस टू कमेंट और वॉयस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट जहाँ कोई रीडर का चांस मिलता है उसको कॉमेंट करने का चांस मिलता है या फिर वॉयस इंडिविजुअल वॉयस डालने का चांस मिलता है ओके नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉगिंग माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है ए माइक्रो ब्लॉग इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल ब्लॉग एज कंटेंट आर स्मॉलर एंड अलोज यूजर टू क्रिएट शॉर्ट मैसेज माइक्रो ब्लॉग माइक्रो मतलब छोटा ओके okay? माइक्रो ब्लॉग क्या होता है वो डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल ब्लॉग से सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है कि ये छोटा होता है और अलाउ करता है यूजर को कि ये शॉर्ट मैसेज शॉर्ट मैसेज क्रिएट कर सकता है जैसे ट्विटर एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग इज ऐ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कुछ छोटा मैसेज शॉर्ट मैसेज टाइप करके ट्वीट कर देते हैं तो ट्विटर भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग है माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म माइक्रो ब्लॉग आर लिमिटेड टू करेक्टर एंड रिक्वायर्ड यूजर टू लॉग इन माइक्रो ब्लॉग क्या होता है लिमिटेड करैक्टर उसमें टाइप कर सकते हैं आप ज़्यादा करैक्टर टाइप नहीं कर सकते हैं लिमिटेड जिसका जितना वो लिमिट है उतना ही कर सकते हैं टाइप और यूजर को उसमें लॉग इन होना पड़ता है पहले ओके दे इंक्लूड इमेज वीडियो लिंक्स डिजिटल वीडियोज ऑडियोज एटसेट्रा जिसमें क्या क्या इंक्लूड है इमेज वीडियो लिंक्स डिजिटल वीडियोज ऑडियो एट्सट्रा कम्युनिकेशन सर्विस टुडे यू कैन कम्युनिकेट इजीली विथ पीपल अक्रॉस द ग्लोब एट एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ डेटा कम्युनिकेशन और टेली टेली कम्युनिकेशन सर्विस आजकल हम लोग क्या करते हैं ईजीली किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर लेते हैं तुरंत मतलब एक सेकेंड नहीं लगता है मैसेज पहुंचने में चाहे वो फॉरेन में ही क्यों ना हो लेकिन पहले क्या होता था महीनों बिज जाता था लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आता था अभी तो सेकंड में रेस्पॉन्स आ जाता है ओके okay? तो ये किसकी वजह से डाटा कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन सर्विस की वजह से इंटरनेट ऑफ़र्ड सेवरल वेबसाइट विथ फ्री चैटिंग फैसिलिटीज इंटरनेट क्या ऑफर किया हुआ है बहुत सारे वेबसाइट के साथ फ्री चैटिंग फैसिलिटी यूज किया जैसे फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सएप जिसकी मदद से हम लोग आसानी से अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर लेते हैं यू कैन गेट कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स योर फ्रेंड्स इंस्टेंटली हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आसानी से कनेक्टेड रहते हैं घर बैठे मतलब बात करते हैं घर बैठे किसी भी कोने में पहले बात करने के लिए क्या करना पड़ता था टेलीफोन लाइन के पास जाना पड़ता था या फिर मैसेज uh, लिख करके पोस्ट ऑफिस में देना पड़ता था लेकिन आजकल घर बैठे फ़ोन में आराम से कर लेते हैं बात ऑफ uh, इस पॉपुलर चैट अप्लिकेशन आर गिटन बिलो स्काई फेसबुक मैसेंजर गूगल हैग आउट स्नैपचैट ये सब क्या है uh, चैट अप्लीकेशन है जिस करो हम आसानी से किसी भी आदमी से चैट कर सकते हैं जिसका कॉन्टैक्ट हमारे पास है ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यही था रिविजन मैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर लेके कर आऊँगा आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखें दोबारा देखें तो अच्छे से समझ में आएगा कहीं डाउट हो तो कमेंट करें या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एक चीज़ अगर किसी को भी क्लासेस लेना हो ऑनलाइन तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ओके और अगर आपको बुक में कहीं भी कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करें मैं आपको समझा दूंगा थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू कोविड नाइन्टीन एट होम स्टडी एट होम